क्या भविष्य पहले से तय होता है? मित्रों, ये प्रश्न हमेशा से ही बहस का विषय रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि भविष्य हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। हम जैसे कर्म करते हैं उसी अनुसार हमारा आने वाला कल होता है। जबकि कुछ ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि हमारा भविष्य हमारे भाग्य पर निर्भर करता है। तो मित्रों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द डिवाइन टेल्स पर। आज की इस वीडियो में हम मिलकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई भविष्य पहले से तय होता है या फिर वो कर्म है जो हमारे भविष्य की धारा को तय करते हैं। मित्रों, आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का आठवां पुत्र कंस का वध करेगा। तब कंस ने सोचा कि आठवां पुत्र मेरा वध तो तब करेगा जब मैं उसे उत्पन्न होने दूंगा। इस सोच के साथ कंस देवकी के पुत्रों को जन्म लेते ही मारता चला गया। लेकिन जब देवकी के आठवें पुत्र की बारी आई तो ना सिर्फ उसने जन्म लिया बल्कि उसने अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध भी किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंस का भविष्य पहले से ही निश्चित था। कंस की मृत्यु कब होगी, कैसे होगी और किसके हाथों होगी, ये उसके जन्म से पहले ही लिखा जा चुका था। सिर्फ कंस ही नहीं बल्कि इस संसार में जन्म लेने वाले हर मनुष्य का भाग्य पहले से ही निश्चित होता है। मनुष्य कब जन्म लेगा, उसके साथ क्या क्या होगा, वो किसी परेशानी में फंसेगा, ये सब विधि का विधान है जिसे चाहकर भी कोई बदल नहीं सकता है। वैसे कंस के अलावा हिंदू धर्म में अनेक पौराणिक कथाओं और ग्रंथों में कई दूसरे लोगों का भाग्य पहले से लिखे होने के प्रमाण मिलते हैं। जैसे ये पहले से ही निर्धारित था कि भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण को वनवास पर जाना होगा, क्योंकि वनवास के पीछे का उद्देश्य भगवान राम के हाथों रावण का वध होना था। अगर कैकेयी मंथरा के बहकावे में ना आई होती तो ना भरत को सिंहासन मिलता और ना ही भगवान राम पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वनवास पर जाते। और आप ही सोचिए, अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो भगवान राम के हाथों लंकापति रावण का वध कैसे हो पाता। मित्रों, इसे आप ऐसे समझिए कि संसार एक नाटक के समान है जिसकी पटकथा भगवान पहले ही लिख चुके हैं। हम इस नाटक के सिर्फ छोटे से पात्र हैं जिनका किसी न किसी उद्देश्य से इस संसार में जन्म हुआ है। वैसे मित्रों, भविष्य को किस्मत से भी जोड़कर देखा जाता है, जो काफी हद तक सही भी है। लेकिन आपकी ये किस्मत आपके कर्मों पर जरूर निर्भर करती है। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपके साथ भविष्य में अच्छा ही होता है, लेकिन अगर आपने अपने जीवन में हमेशा बुरा किया है तो आपकी किस्मत बुरी ही होगी, अर्थात आपका आने वाला भविष्य आपके कर्मों की तरह बुरा ही होगा। क्योंकि जिसने जिंदगी भर बबूल के पेड़ रूपी बुरे कर्म किए हैं, उसे आम रूपी अच्छे फल कैसे मिल सकते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में हमेशा अच्छे कर्म करने की बात कही गई है, क्योंकि ये अच्छे कर्म ही हैं जो हमें जन्म और मृत्यु के इस चक्र से बाहर निकाल सकते हैं। वरना बुरे कर्म करने वाले लोगों को भगवान के चरणों में भी स्थान नहीं मिलता है। यही नहीं, तुलसीदास जी ने अपनी एक चौपाई में लिखा है कि कर्म ही प्रधान है, जो जिस तरह के कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। मित्रों, जब अर्जुन के हाथों कर्ण का वध हुआ था तब अर्जुन ने कहा था कि माधव मेरे हाथ कांप रहे थे, तब आपने मुझे समझाया था कि मैं एक सदात्मा को उसके भार से मुक्त कर रहा हूँ, लेकिन ये क्या, आपने तो मेरे मस्तक पर अपने ही ज्येष्ठ की हत्या का कलंक लगा दिया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य को प्रारब्ध देने वाला मैं कौन होता हूँ। मनुष्य को प्रारब्ध उसके कर्म देते हैं। बीज में स्वस्थ मीठे फल लगेंगे या उस बीज को सूख जाना है, इसका चयन तो बीज स्वयं करता है पार्थ, अपनी धारा चुनकर। श्री कृष्ण ने आगे कहा कि पार्थ, तुमने धर्म का साथ देना चुना और कर्ण ने अधर्म का साथ देना, ऐसे में मैं क्या करता। तुमने अन्याय के विरोध में स्वर उठाया और अंगराज सब जानते हुए भी मौन रहे। मैंने कई बार विकल्प चुनने के अवसर कर्ण को दिए, लेकिन उन्होंने हर बार दुर्योधन और उसकी मित्रता का चयन किया, ऐसे में बताओ मैं क्या करता। मित्रों, भागवत गीता के इस अध्याय से हमें ये समझ आता है कि भगवान हमें बहुत बार अच्छे कर्म करने का विकल्प देते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, जिसके बाद हम अपनी बुरी किस्मत पर रोने लगते हैं। तो मित्रों, अंत में बस यही कहूंगा कि भविष्य जरूर पहले से लिखा होता है, लेकिन भविष्य का लिखा जाना हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है। हमारे कर्म अगर अच्छे होंगे तो हमारा आने वाला भविष्य भी अच्छा ही होगा, लेकिन अगर हमने बुरे कर्म किए हैं तो उसका फल मिलना निश्चित है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही अब मुझे इजाजत दें, मैं फिर लौटूंगा ऐसी ही आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द डिवाइन टेल्स। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।